परीक्षा की करते हैं जो लगातार विवादों में है। नीट की परीक्षा सवालों में है और सवाल इसीलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 नंबर मिल गए हों। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे आखिर हुआ कैसे। इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में एक नया पर्दाफाश हो गया है। नीट की परीक्षा के जब परिणाम घोषित हुए तो एक साथ 6 टॉपर की बात सामने आई, लेकिन ये चौंकाने वाला था कि 6 के 6 टॉपर सभी एक ही सेंटर के थे। ये सेंटर हरियाणा के बहादुरगढ़ के एक स्कूल का था और यहीं के दो परीक्षार्थियों को 718 और 719 नंबर मिल गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि मार्किंग पैटर्न के हिसाब से इस तरह नंबर आना बिल्कुल संभव नहीं है। इसके बाद पूरी परीक्षा शक के घेरे में आ गई। उधर परीक्षा में धांधली के आरोप में बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में गिरफ्तारियां हुई है। बिहार ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हुए थे। और अब नीट विवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में नीट की परीक्षा पर विवाद लगातार गहराता चला जा रहा है। नीट की परीक्षा पर सियासत भी गरमाई हुई है, जहां एक तरफ देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है और नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद भी शामिल होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। एक तरफ छात्र जबरदस्त गुस्से में हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीट विवाद पर अब राजनीति भी बहुत तेज हो चुकी है। और उधर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 9 परीक्षार्थियों को पूछताछ के लिए 18 और 19 जून को बुलाया है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस को सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे और इनमें 4 को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 9 परीक्षार्थियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। आरोप यह है कि इन सभी को नीट परीक्षा से पहले ही प्रश्न पेपर और आंसर शीट मिल गए थे। अब ईओयू ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्हें प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाया गया था। ईओयू ने इन 9 परीक्षार्थियों के साथ उनके अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है और इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। नीट परीक्षा इस वक्त सवालों के घेरे में है, ऐसे में बिहार में भी जांच चल रही है। न सिर्फ परीक्षार्थियों को बुलाया गया है बल्कि उनके अभिभावकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि एनटीए से जानकारी लेने आज बिहार आर्थिक अपराध इकाई एक का टीम जो है वो दिल्ली जा सकती है। आपको बताते चलें कि 3 रिमाइंडर के बावजूद भी अब तक एनटीए से बिहार आर्थिक अपराध इकाई को प्रश्न पत्र नहीं मिल सका है। अगर एनटीए से प्रश्न पत्र नहीं मिलता है तो ईओयू इसके बाद कोर्ट जा सकती है। इस बीच 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार ईओयू अपना पक्ष रखेगी और इसके लिए 5 मई से लेकर अब तक हुई गिरफ्तारी, आरोपियों के बयान और बरामद दस्तावेजों के अलावा अभिभावकों के बयानों का मसौदा भी तैयार किया जा रहा है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम सुनवाई करने वाला है। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कह दी है और उनकी इसी याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई करने वाली है। इसी सुनवाई पर अब सभी की नजरें टिकी हुई है। 24 लाख बच्चों की भविष्य का यहां पर हवाला दिया गया है। यह भी कहा गया कि अगर नीट परीक्षा दोबारा नहीं करवाई जाएगी तो भविष्य में अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। अमित पांडे मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अमित, इस नीट परीक्षा को लेकर विवाद पूरे देश में लगातार गहराता चला जा रहा है, इसके अलावा आज एक का सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, आपके पास इस पूरे मसले को लेकर क्या अपडेट है अमित? देखिए, पिछले एक हफ्ते से लगातार याचिकाओं का दौर नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी है और इसी फेहरिस्त में आज एक अहम सुनवाई होनी है, जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी जो कोचिंग संचालक हैं वह पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने अदालत से मांग की है कि परीक्षा रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि
कई तरीके की विसंगतियां थी। इससे पहले भी जितनी याचिकाएं आई हैं अदालत ने 8 जुलाई को इसको टैग किया है। आज की मांग है कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि पिछली जो याचिका इस मुद्दे को लेकर आई थी उन पर कोर्ट ने अपना स्पष्ट रुख नहीं किया था। तो आज इस याचिकाकर्ता की मांग है कि रद्द किया जाए। अब देखना है कि कोर्ट क्या रुख अपनाता है दाखिल की गई इस याचिका पर। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिएगा, न्यूज 18 इंडिया की नजर इस खबर पर रहेगी। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, नीट के पेपर लीक मामले पर बीआरएस नेता हरीश राव बीजेपी सरकार पर जमकर भड़के हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर है और सरकार है कि कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। नीट एग्जाम में 24 लाख बच्चों का ये भविष्य के इशू है, इसके ऊपर आज बीजेपी के सरकार ने कुछ डिसीशन नहीं ले रहा है। एक तरफ बिहार में और गुजरात में पेपर लीक हुआ, बच्चों को थोड़े लोगों को अरेस्ट करे बोल के भी बात जो बाहर आ रहा है, दूसरे तरफ ग्रेस मार्क का मुद्दा है। दो मुद्दे के ऊपर भी आज गवर्नमेंट ने कुछ भी बात नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद भी आज एनटीए के बारे में एनटीए भी कुछ नहीं बोल रहा या केंद्र की सरकार भी कुछ नहीं बोल रही। हम बीआरएस पक्ष में डिमांड करते हैं इसके ऊपर पूरी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। और इससे पहले शनिवार के दिन यानी कि 15 जून को छात्रों ने नीट के पेपर लीक और रिजल्ट के खिलाफ पटना में खूब हंगामा किया था। उन्होंने गुस्से में सड़क पर टायर तक जला दिए थे, चक्का जाम कर दिया था और इसके साथ ही छात्रों ने नीट की परीक्षा दोबारा करवाए जाने की भी मांग की थी। अलग अलग दो तस्वीरें इसी प्रदर्शन से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में भी इसका जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। पटना में छात्रों ने हंगामा किया 15 जून की, दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। नीट पेपर लीक पर बवाल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। छात्रों ने यहां पर टायर जलाए और टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। ये दो तस्वीरें जो पटना से सामने आई वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, 15 जून 2024 की ये दो तस्वीरें। वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी, रायबरेली से बने रहेंगे सांसद। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को दी जानकारी, पत्र भी सौंपा। वायनाड सीट छोड़ने के फैसले पर बोले राहुल गांधी का, यह फैसला इतना आसान नहीं था। वायनाड और रायबरेली दोनों से मेरा इमोशनल कनेक्शन। वायनाड से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा पर प्रियंका गांधी का बयान, कहा मैं वायनाड में भी रहूंगी और रायबरेली में भी रहूंगी। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस पर बड़ा निशाना, कहा प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाकर उनका कद कम करने की कोशिश, प्रियंका को पार्टी का बनाया जाना था अध्यक्ष। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया बेहतरीन फैसला, कहा रायबरेली सीट गांधी परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका की उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा बहन के लिए राहुल के मन में प्रेम होता तो उन्हें रायबरेली सीट देते। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने वायनाड से प्रियंका की उम्मीदवारी पर कहा कि प्रियंका का पहला चुनाव हार के साथ शुरू होगा। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा यह वंशवाद की राजनीति है। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान, कहा राहुल ने वायनाड के लोगों को